हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले द ओपन विंडो। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है ये। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ, मिस्टर फ्रेमिंगटन निटिल के अंदर। मिस्टर फ्रेमिंगटन निटिल को काफ़ी ज़्यादा नर्व से रिलेटेड बीमारी थी। नर्व से मतलब कि उन्हें ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी उन्हें। तो वो इस चीज़ को सही करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति होती है और उस जगह पर ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं होती। तो इस वजह से मिस्टर निटिल वहाँ पर चले जाते हैं। अब वहाँ पर जब वो जा रहे होते हैं तब उनको लोगों से कम्युनिकेट करने में, मतलब लोगों से बातचीत करने में वो इतने अच्छे नहीं होते। ये चीज़ उनकी सिस्टर को पता होती है। वो जानती है कि ऐसे तो किसी से बात करने वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हेजिटेट करेगा, हिचकिचाएगा किसी से भी बात करने के लिए। तो उनकी सिस्टर ऑलरेडी उस जगह पर विजिट कर चुकी होती हैं। तो वो क्या करती है, उनकी सिस्टर उनकी हेल्प करने के लिए उनको क्या दे देती है, उनको दे देती हैं लेटर्स, इंट्रोडक्शन लेटर, जिनको वो ले जा सकते हैं अपने साथ और लोगों के यहाँ पर विजिट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। अब ऐसे ही मिस्टर निटिल पहुँच जाते हैं एक पर्सन के घर पर इंट्रोडक्शन लेटर लेकर। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है जो उनका वेलकम करती है, उन्हें बिठाती है और बोलती है कि मेरी आंट अभी ऊपर है, जब वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगी तब तक के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो वो छोटी सी बच्ची होती है, वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन मिस्टर जो निटिल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतने अच्छे नहीं होते किसी से भी बात करने में, और मतलब थोड़ा हिचकिचाहट होती है उन्हें लोगों से बात करने में, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन फिर वो छोटी सी बच्ची होती है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछती है, कोशिश करती है उनसे बात करने की। मिस्टर निटिल कोशिश करते हैं कि वो उस छोटी सी बच्ची को फ्लैटर कर पाए, मतलब अपनी बातों में ला पाए, वो बच्ची उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाए, उनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने लग जाए। लेकिन जो मिस्टर निटिल होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत वलत निकाल दूं और इनकी आंट के लिए कुछ गलत निकल जाए और इनको बुरा लग जाए, तो वो ये भी सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। उनके दिमाग में एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा होता है। वो ये क्वेश्चन होता है कि जो उनकी सिस्टर होती है, उन्होंने इंट्रोडक्शन लेटर उन लोगों के लिए दिए थे जो लोग काफ़ी अच्छे थे। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर जो मिसेस सेपलिंटन हैं, जो मिसेस सेपलिंटन हैं वो इतनी कितनी अच्छी हैं जो उनके बारे में ये इंट्रोडक्शन लेटर मेरी सिस्टर ने दिया है, ऐसी क्या खास बात है। तो वो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद जो वो छोटी सी बच्ची होती है मिस्टर निटिल को एक स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। वो ये बोलती है, अपने पीछे देखिए, ये इतनी बड़ी सी विंडो आपको दिख रही है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, ये विंडो तो मेरे को दिख रही है यहाँ पर। तो वो लड़की उनको बोलती है, क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये विंडो क्यों खुली हुई है। तो मिस्टर निटिल रिप्लाई करते हैं कि मेरे को तो ये लगा कि अभी अभी गर्मियों का सीज़न है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी वगैरह है, तो इस वजह से खोल के रखी हुई होगी, और तो क्या ही बात हो सकती है, और कोई और भी रीज़न है क्या। तो वो लड़की बताना स्टार्ट करती है कि मेरी आंट के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। तो मिस्टर निटिल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि क्या ट्रेजेडी हुई, इतनी शांत जगह है, इतना अच्छा टाउन है ये तुम्हारा, इतनी छोटी सी जगह, इतनी शांत जगह है, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, तो ऐसी क्या ट्रेजेडी हो गई। तो वो बताना स्टार्ट करती है कि मेरी जो आंट हैं, उनके जो हस्बैंड हैं और जो उनके छोटे भाई थे और एक उनका जो छोटा सा डॉगी था, वो एक दिन गए थे शिकार पर और वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। 3 साल हो गए इस बात को। मेरी आंट रोज़ अपनी विंडो को ओपन रखती हैं रात तक कि क्या पता कभी वो लौट कर वापस आ जाएं। ये सारी चीज़ें वो मिस्टर निटिल को बताना स्टार्ट करती हैं। मिस्टर निटिल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें थोड़ा सा बुरा लगना भी फील होता है। तभी उनकी आंट आ जाती हैं। उनकी आंट बोलती हैं कि अच्छा, ये जो मेरी नीस है इसका नाम वेरा है, आपको इससे बात करके कैसा लगा, कहीं इसने आपको परेशान तो नहीं करा। तो मिस्टर फ्रेमिंगटन होते हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है ये, तो इसने मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें भी करती है ये। सारी चीज़ें वो ये बताना स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर जो सेपलिंगटन होती है वो ब्रिस्कली बोलती है, मतलब धीमी आवाज़ में बोलती हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे और जो उनका ब्रदर है, मतलब जो उनके पति थे, उनके जो छोटा भाई है जिसको हम लोग बेसिकली हिंदी में चाचा भी बोलते हैं, तो वो दोनों आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें वो बताना स्टार्ट करती है मिस्टर फ्रेमिंगटन को। तो जो मिस्टर फ्रेमिंगटन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को सुनकर थोड़ा दुखी सा फील करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अरे यार, बताओ कैसी औरत है, इसको पता है कि अभी तक तो वो जिंदा नहीं रह पाए होंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रैप के अंदर फंस गए होंगे, कुछ ट्रेजेडी हो गई होगी, पता नहीं क्यों वो ऐसे वेट कर रही है। अब एक और बात थी कि 3 साल से जो उनकी नीस थी, उन्होंने स्टोरी में उन्हें ये तो बताया ही था कि वो 3 साल
पहले गए थे शूटिंग पर और अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं। उसके साथ उनकी नीस ने ये भी बोला था कि उनकी बॉडीज भी नहीं मिली हैं, तो इसी वजह से जो उनकी आंट थी वो वेट करा करती थी। ये सारी चीज़ें वो सोचने लग जाते हैं और वो बैठे हुए होते हैं सोफे के ऊपर। जब वो सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं तो फिर वो इस चीज़ को, जो ये कन्वर्जेशन हो रही होती है, इसका टॉपिक चेंज करने के लिए अपने बारे में बताना चालू कर देते हैं। वो ये बताते हैं कि जो डॉक्टर था उसने मेरे को बोला कि आप रेस्ट करो, और जो तुम्हारी ये मेंटल इलनेस है तुम्हें एक्साइटमेंट अवॉइड करनी है और फिजिकल एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ें, मतलब एक्सरसाइज करना वगैरह तुम्हें अवॉइड करना है, ज़्यादा जो बहुत हार्ड एक्सरसाइज होती हैं, जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होती हैं, उन्हें तुम्हें नहीं करना। ये सारी चीज़ें वो बताना स्टार्ट करते हैं उसकी आंट को, मिसेस उनको बताना स्टार्ट करते हैं। और तभी जो मिसेस सैपलिंटन होती हैं वो पीछे की तरफ देख रही होती हैं विंडो की तरफ, तो वो बोलती हैं अरे देखो वो आ गए। तो ये चीज़ वो सुनते ही थोड़ा सा बुरा फील करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि देखो यार बेचारी, इसके तो हस्बैंड अभी तक मर गया होगा लेकिन ये अभी भी इसी सोच में पड़ी हुई है कितना ज़्यादा ये अपने हस्बैंड को मानती है। जो छोटी सी उनकी नीस होती है वो भी उधर की तरफ देख रही होती है। तो मिस्टर नटल जब उसकी नीस की तरफ देखते हैं, और मतलब इस तरीके से देखते हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा दया आ रही है, तो जब वो उस नीस की तरफ देखते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो कप आ रही होती है। वो जब डर के कप रही होती है तब वो विंडो की तरफ ही देख रही होती है। तो मिस्टर नटल भी पीछे मुड़कर देखते हैं विंडो की तरफ, तो उन्हें तीन आदमी आते हुए दिख रहे होते हैं। तीन आदमी आ रहे होते हैं और उनके आसपास एक डॉग भी होता है। तो मिस्टर नटल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो मिसेस सैपलिंटन है, उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड के छोटे भाई और उनके डॉग का भूत आ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा डर के मारे उनकी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है और वो तो वहाँ से फर से भाग लेते हैं। तभी जो उनके हस्बैंड होते हैं वो एंटर कर रहे होते हैं और उनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, ये जो अजीब सा आदमी कौन था ये जो बैठा हुआ था और ये हमें देख कर भाग क्यों गया ऐसे। तो मिस्टर नटल जो होते हैं वो भाग जाते हैं और मिसेस सैपलिंटन बताती हैं कि जो मिस्टर नटल थे काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी थे, काफ़ी अजीब से आदमी थे। उनकी जो इलनेस थी वो उसी के बारे में सबसे बात करते रहते थे, और ना ही उन्होंने मेरे को गुड बाय बोला, ना ही बाय बोल के गए हैं, और ना ही मेरे से माफ़ी मांगी कि देखो आप आ गए हो और वो अचानक से जा रहे हैं। तो बोलते हैं ना हम लोग, जैसे कभी कभी अर्जेंटली हमें कहीं पे जाना होता है, किसी गेस्ट के घर पर हम पहुंच जाते हैं घूमने एंड अचानक से फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमें जाना होता है वापस अपने घर पर, तो हम बोलते हैं कि अरे सॉरी, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट करा और हम लोगों को अभी जाना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से उन्होंने ना अपोलोजाइज करा था ना कुछ करा था और वो सीधे भाग लिए थे। और ये सारी चीज़ें बात करते करते मिसेस सैपलिंटन ये भी बोलती हैं कि वो तो ऐसे भाग गए थे, उनका फेस तो ऐसे हो गया था जैसे मान लो उन्होंने कोई घोस्टी देख लिया हो, इस तरीके से वो भाग गए। तो यहीं पर उनकी जो नीस होती है वो बिल्कुल शांति से रिप्लाई करती है कि ये जो है ये सैपिनियल, जो उनका डॉग था उसका, उसकी जो ब्रीड थी प्रॉपरली, उस डॉग को बोलते थे सैपिनियल, तो वो ये बताती है कि जो सैपनियल है ये उसे देखकर भाग गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब उनकी नीस बताना स्टार्ट करती है तो वो एक और नई स्टोरी सुनाती है उनको कि जो मिस्टर नटल थे, जो मिस्टर फ्रेमिंटन नटल थे, उनको डॉग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। एक बार की बात है कि वो ऐसे ही घूम रहे थे, उन्हें बहुत सारे कुत्तों ने घेर लिया। जब उनको बहुत सारे डॉग्स ने, तो वो डर के मारे भागने लगे। भागते भागते वो एक शमशान घाट के अंदर या फिर सेमेट्री के अंदर चले गए। जब वो शमशान घाट के अंदर पहुंचे तो वहीं पर एक कब्र खुदी हुई थी, मतलब एक ग्रेव डिग हो रखी थी। तो वो उस ग्रेव के अंदर जाकर कूद गए और छुप गए, अपने आप को उन्होंने उस कब्र के अंदर छुपा लिया डर के मारे। और उनके ऊपर पूरी रात भर कुत्ते घूमते रहे, इस वजह से उनके उनके दिल में कुत्तों को लेकर बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। ये सारी कहानी उनकी नीस बनाकर उन लोगों को सुना देती है। तो यहाँ पर बहुत ही स्मार्टली जो उनकी नीस थी उसने चाल चली, दोनों को ही कंफ्यूज कर दिया। मिस्टर नटल को कुछ कहानी बना के सुनाई और मिसेस सैपलिंटन को कुछ कहानी बना के सुना दी। तो काफ़ी फनी सी, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। मैंने बहुत ही शॉर्टेस्ट वर्जन इसका ट्राई करा है आपको समझाने का, बिल्कुल शॉर्टली, क्योंकि बच्चे इस स्टोरी को ज़्यादा लाइक नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने बहुत शॉर्टली ट्राई करा है।
इन वीडियोस को बनाने में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं, कोई भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो बना पाएँ और हम लोग मोटिवेट हो पाएँ ये वीडियो बनाने के लिए। हमें अच्छा लगता है जब बच्चे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, तो लगता है हाँ और वीडियोस भी बनाने चाहिए। तो यहीं पे ये वीडियो फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।